त्योहारों के चलते बाजारों में रॉन्ग पार्किंग करने वाले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दोपहिया वाहन व चौपहिया वाहनों को क्रेन की सहायता से पुलिस थाने उठाकर ले गई। वे दुकानदारों को डिवाइडर के साथ वाहन न खड़ा करने की चेतावनी भी दी। गलत तरीके से खड़े वाहनों के कारण बाजार में पैदल चलने वाले लोगों को मुश्किल हो रही है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से कुछ दुकानदार नाराज हुए वे कुछ काफी खुश नजर भी आए। सदर थाना इंचार्ज ने कहा कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बता दें, बाजारों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने एवं त्योहारों के मौके पर बाजारों में आने वाले ग्राहकों की भीड़ बढ़ने में प्रशासन की अनदेखी के कारण अम्बाला में ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हो रही है। यातायात के कारण बाजार की सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। बाजारों में आने वाले ग्राहक अपने दोपहिया व चौपहिया वाहन जहां जगह मिलती है वहीं दुकानों के सामने या डिवाइडर के साथ ही पार्क कर देते हैं, जिससे कई बार मुख्य बाजार में तो पैदल आने जाने वाले लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर आज पुलिस ने गलत तरीके से खड़े वाहनों पर कार्रवाई की। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का कई दुकानदारों ने विरोध किया कि पार्किंग की कोई जगह नहीं है और त्योहारों का सीजन है, जिसकी वजह से बाजारों में वाहन तो खड़े होंगे ही और पुलिस वाले तंग करते हैं। बाजार के सराफ मिन्नस ने बताया कि बाजार में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अभी नई बन रही पार्किंग कंप्लीट नहीं हुई है। हम और ग्राहक अपने वाहनों को कहां ले जाएंगे और कहां खड़े करें, इसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। उन्होंने पुलिस वालों को दुकानदारों और ग्राहकों को तंग न करने की अपील की। बता दें, ऐसा नहीं है कि सभी दुकानदारों को पुलिस की इस कार्रवाई पर एतराज हो। कुछ दुकानदार इस कार्रवाई से काफी खुश नजर भी आए। बर्तन बाजार के प्रधान में कसेरा बाजार के जनरल सेक्रेटरी जिंदल ने बताया कि ग्राहक अपने वाहनों को दुकानों के आगे या डिवाइडर के साथ खड़ा कर देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। पुलिस वाले हमें पूरा सहयोग देते हैं, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है। वहीं अम्बाला छावनी थाने के इंचार्ज विजय कुमार ने बताया कि त्योहारों के सीजन के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आने वाले लोग अपने वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा कर देते हैं। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। आज की कार्रवाई में कुछ वाहनों को उठाया गया और कुछ लोगों के वाहनों को हटाया गया, ताकि बाजार में ट्रैफिक का जाम न लग सके। त्योहारों का सीजन चल रहा है, गाड़ी का जगह है नहीं, हमें गाड़ी खड़ी करने की कहीं पे भी, तो कहाँ पे खड़ी करेंगे? डिवाइडर का कोई काम नहीं है, डिवाइडर बना के रखा हुआ इन्होंने यहाँ पे, और डेली की डेली पहचान करते लोग सब, पूरी की पूरी पुलिस यहाँ पे आ गई। अरे दुनिया कहाँ कहाँ पे बैठी है, पार्किंग बनने में टाइम लग रहा है, तो हमारी गलती नहीं है ना इसके अंदर, बताओ पहले आप। या तो ये हो रहा है हमारी कोई गलती है तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, आपको लगता नहीं बाजार कोई कोई फर्क नहीं है? डिवाइडर सबसे ज्यादा दुखी करता लोगों को यहाँ पे, डिवाइडर नहीं होता तो साइडों में कर लेते, कोई कोई दिक्कत नहीं रहता। पुलिस की कार्रवाई नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है बिल्कुल। ये तो बेकार नजायज तंग करते हैं पुलिस वाले, तो आ गए हमारे को, सबको यहाँ पे हरेसमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा सबको यहाँ पे। ये बर्तनों का बिजनेस करता हूँ और कसेरा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे साथ पुलिस का प्रशासन जो है बिल्कुल मुस्तैक है, हमारे साथ कोऑपरेट करके चल रहा है, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है प्रशासन की हमारे साथ सहयोग मिलता है, और हमें पुलिस प्रशासन से कोई भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, और बाजार का ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा है। कोई गलत फहमी में कोई आदमी लगा देता है फिर हमें इनको कहना पड़ता है, ये पुलिस हमारे को पूरा सहयोग। देखिए, त्योहारों को लेके जो हमारा ड्राइव है, ये वैसे भी हमारा ड्राइव लगातार चलता रहता है, हमारा इतना सा ड्राइव रहता है कि जो भी कस्टमर बाजारों में आ रहा है आने जाने की किस तरह की कोई दिक्कत ना हो किसी को, और दुकानदार भी अपना काम जो सुचारू रूप से करता रहे, इतना सा हमारा ड्राइवर। हमने अभी एक क्रैन हमने लगाई हुई है जो डिवाइडर पे रॉन्ग पार्किंग में जो व्हीकल लगे उनके लिए लगाई हुई है, एज पर रूल जो उनका भी कर रहे हैं हम काम, और अभी हमारा काम चल रहा है, काउंटिंग बाद में बता पाएंगे आपको कितना कुछ हुआ। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुलकर की रिपोर्ट।